और मैं हूँ आपके साथ रुचिका राज। मान लीजिए कि अगर बिहार में टेररिस्ट अटैक होता है और बिहार की राजधानी पटना में किसी बड़े होटल में टेररिस्ट अटैक होता है, तो क्या बिहार की स्थिति 26/11 की तरह हो जाएगी? यानी 26/11 में आपने सुना होगा, उस वक्त ताज होटल, जो कि मुंबई का सबसे बड़ा होटल है, उसमें आतंकी हमला हुआ और उस वक्त लाशों की ढेर लग गई, पूरा होटल आग की चपेट में आ गया। क्या इसी तरह की स्थिति पटना में हो जाएगी? इसके लिए घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बिहार सरकार ने इसके लिए तैयारी कर ली है। बिहार पुलिस की तरफ से ATS की टीम का एक मॉक ड्रिल टेस्ट हुआ एक बड़े होटल में, जिसमें कि अगर बिहार में कोई आतंकी अटैक करता है तो उससे कैसे बचा जाए और उस आतंकी को कैसे ध्वस्त किया जाए, इसकी पूरी तैयारी बिहार पुलिस की तरफ से कर ली गई है। पहले आप इस वीडियो में देखिए कि किस तरह से मॉक ड्रिल का जो कार्य है वो चला जा रहा है। राजधानी पटना में ATS की टीम अचानक होटल में घुसी तो पूरे होटल में हड़कंप मच गया। होटल में आतंकी घुसने की सूचना पर होटल में मचा हड़कंप। बिहार ATS की टीम ने मोर्चा संभाला और सुरक्षा की दृष्टिकोण से मॉक ड्रिल होटल में किया गया। देर रात बिहार ATS की मॉक ड्रिल देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। वहीं इस पूरे मामले पर बिहार ATS के सब इंस्पेक्टर निरंजन कुमार ने होटल में आज मॉक ड्रिल किया। आतंकी की सूचना को लेकर मॉक ड्रिल किया गया है और कोरोना काल में मॉक ड्रिल का कार्य प्रभावित हुआ था और पूर्व में कई स्थानों पर मॉक ड्रिल किया जा चुका है। कार्यक्रम किया गया है, वो क्या है ये मॉक ड्रिल, मतलब क्या है ये कार्यक्रम? आतंकी गतिविधि के कारण जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये हम लोग का रूटीन वर्क है और आए दिन हम लोग मॉक ड्रिल करते ही रहते हैं। इससे पहले भी हम लोग मॉक ड्रिल कर चुके हैं। आज हम लोग ने जो होटल आइसोलेशन जो है आपका ये लेमन ट्री होटल, इसका हम लोगों ने मॉक ड्रिल किया। लोगों का क्या था, मतलब अचानक से इस तरह का कोई मोड़? हम लोग का ये रूटीन वर्क है और इसके अलावा भी बहुत से जो इम्पोर्टेंट प्लेस हैं उसका भी आगे भी किया जाए। उसका पूरा नेट रूपांतरण यहाँ किया गया था। हाँ। तो क्या लगता है कि जो दरभंगा ब्लास्ट के बाद जो है ये घटनाएं जो हुई है उसके लगता है कि उसके बाद से इस तरीके का जो है पहले हम लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह काफ़ी किया था। कोरोना काल में आपने होल्ड किया था इसको, उसके कारण कुछ प्रभावित हुई है, लेकिन उसके बाद में हम लोग का रूटीन वर्क चालू हुआ। क्या नाम है सर? SI निरंजन। क्या है? SI निरंजन। तो इस तरीके से आपने जैसा कि तस्वीरों में देखा कि किस तरह से मॉक ड्रिल का कार्य किया जा रहा है, यानी कि अगर पटना में टेररिस्ट अटैक होता है तो कैसे हम टेररिस्ट अटैक को रोक सकते हैं और कैसे हम आतंकियों को ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि अब बिहार भी अछूता नहीं रह गया है। आपने हाल ही में देखा होगा कि दरभंगा पार्सल ब्लास्ट हुआ है, दूसरा बांका ब्लास्ट हुआ है, तो इन तरीकों से अब देखा जा सकता है कि कहीं ना कहीं अब आतंकियों के निशाने पर बिहार भी आ गया है और बिहार की राजधानी पटना में ऐसा कुछ ना हो, इसे लेकर के अब सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं। ATS की टीम इसके लिए तैयार है, मॉक ड्रिल टेस्ट किया जा रहा है। इसके पहले भी कई जगहों पर मॉक ड्रिल टेस्ट हो चुका है, लेकिन अब बिहार के पटना में ATS की टीम किस तरीके से सुरक्षा करेंगी पटना वासियों की और बिहार के लोगों की, इसकी तैयारी अब पूरी कर ली जा चुकी है कि आतंकी अगर अटैक करते हैं तो कैसे हम उससे बच सकते हैं। और भी तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ PR। नमस्कार।